Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about present perfect tense. But before we go any further, this lesson is going to be in Urdu and Hindi. If you want to attend lesson in Sindhi or English, please go to the link that I'll be providing in the description box. Dosto, aaj hum present perfect tense seekhenge. Ye shayad sabse zyada istemal hone wala tense hai aur is lihaz se bhi ye aham hai के लोग काफी गलतियां करते हैं इसके इस्तेमाल में. आज हम इसके बारे में सीखेंगे. मेरा नाम डॉक्टर फराज है. इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी और आप कोई भी लेसन मिस नहीं करेंगे. आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या और ये बनता कैसे है और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वो कैसे बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या फर्क है, क्योंकि लोग दोनों के इस्तेमाल में गलतियां करते हैं. फिर हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिससे ये लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसे हम सिग्नल वर्ड्स भी कहते हैं. फिर हम आखिर में उन गलतियों के बारे में सीखेंगे जो नॉर्मली हम करते हैं इस टेंस के इस्तेमाल में. तो लेट्स गो, आइए सीखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में और खत्म भी हुआ था, हो गया है, मगर उसका रिलेवेंस प्रेजेंस में बाकी है. यानी ये ऐसे कामों के बारे में बात करता है जो अभी भी ताजा हैं, यानी रिलेट करते हैं प्रेजेंट टाइम के साथ. जैसे आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, इसका मतलब ये होगा कि अब मुझे ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट के साथ रिलेवेंस है. इसको ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हम ऑलरेडी भी इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके अलावा भी यही इंडिकेट करता है कि इसका कनेक्शन प्रेजेंट तक है. और ये बनता कैसे है, हम इसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं. हैव इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लुरल के साथ, यानी आई और वी के साथ. आई हैव, वी हैव. और सेकेंड पर्सन प्लुरल के लिए इस्तेमाल करें या सिंगुलर के लिए, You have होगा. और थर्ड पर्सन प्लुरल के लिए भी इस्तेमाल होगा. और थर्ड पर्सन प्लुरल कौन से हैं, दे या दे कैन बी टू नेम्स ऑल्सो, जैसे शगुफ्ता एंड सुनीता हैव, हैज नहीं होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के लिए हम हैज इस्तेमाल करेंगे, जैसे शी हैज, अली हैज, she has, he has, इनके लिए हम has इस्तेमाल करेंगे. जैसे ये इस्तेमाल मिसाल हमने देखा है, I have lived in this city for 10 years. I subject हो गया, उसके बाद have, फिर lived, third form या past participle है verb का, in this city for 10 years, बाकी के words हैं जो sentence के complete करने के लिए जरूरी है. अच्छा, ये अब मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं. जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times. नेगेटिव के लिए हम हैज या हैव के साथ नॉट लगाएंगे. जब कॉन्ट्रेक्शन करेंगे यानी हैज और नॉट को मिला के पढ़ेंगे या कहेंगे तो हैजंट हो जाएगा, जैसे she hasn't seen that movie yet. अगर आप contraction नहीं करेंगे तो ये ऐसे होगा she has not seen that movie yet. सवाल बनाने के लिए has या have sentence के beginning में इस्तेमाल होगा, जैसे have you ever been to Asia. और सवाल और negative दोनों अगर कहेंगे तो हम have और not को contraction में मिला के पढ़ेंगे, जैसे Haven't they told you the news yet? मगर contraction नहीं करेंगे तो हम have उसके बाद subject आएगा फिर not आएगा, जैसे Have they not told you the news yet? ये इस तरह नहीं होगा, Have not they told you the news yet? ठीक है, तो haven't they told you the news हो जाएगा contraction में, Have they not told you the news हो जाएगा full form में. आप प्रैक्टिस करते हैं, आप वीडियो को रोकें, ये प्रैक्टिस करें, फिर वापस आ जाएं, बाकी की वीडियो को भी कंटिन्यू करें.
तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, इसके दो तरीके हैं, यानी या ऐसे समझें कि ये दो किस्म के वर्ब्स होते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। एक तो होता है रेगुलर, रेगुलर के साथ हम डी या हम ईडी लगाएंगे, या आई ईडी भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा है। जैसे वॉक वॉक्ड वॉक्ड, वॉक प्रेजेंट, वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हम इनको कहते हैं। टॉक टॉक्ड टॉक्ड, प्ले प्लेड प्लेड, लव लव्ड लव्ड, जंप जंप्ड जंप्ड। जंप प्रेजेंट है, जंप्ड पास्ट है, जंप्ड पास्ट पार्टिसिपल है। जब हम इरेग्युलर बनाते हैं तो वर्ड्स ही अलग हो जाते हैं, उनका कोई सेट पैटर्न नहीं है, उनके साथ डी या ईडी या आईईडी नहीं लगता। जैसे गो वेंट गॉन, गो प्रेजेंट वेंट पास्ट गॉन पास्ट पार्टिसिपल। ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, सी सॉ सीन, राइट रोट रिटन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चूजन, स्पीक स्पोक स्पोकन। आपने देखा स्पीक प्रेजेंट है, स्पोक पास्ट है, स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल है, या हम इन्हें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब एक और एक्सरसाइज है, वीडियो को रोके ये एक्सरसाइज करें। आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, वर्ब्स हैं, ये इनको अब बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। इनमें से कुछ रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। जो आपको नहीं आते, डिक्शनरी चेक करें, इंटरनेट से चेक करें और ये वर्ड्स सीखें। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या फर्क है? जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके साथ हम टाइम इस्तेमाल करते हैं, मगर वो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। कौन सा टाइम होता है? ऑलरेडी, येट, एवर या नेवर, या इस तरह के वर्ड्स होते हैं। जब हम पास्ट सिंपल बनाते हैं तो फिर टाइम स्पेसिफिक होता है, यानी प्रॉपर टाइम हम मेंशन करते हैं। जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, 2010 हो गया। जैसे मिसाल एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 times, राइट? अब ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, टाइम से फ्रीक्वेंसी तो हम बता रहे हैं मगर स्पेसिफिक टाइम नहीं है। शी हैजंट फिनिश्ड होमवर्क येट, येट भी टाइम को इंडिकेट करता है मगर ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है। या सवाल में, हैव यू एवर ट्राइड बिरयानी, ठीक है, मगर पास्ट सिंपल में हम फिर टाइम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वेंट टू पेरिस लास्ट समर, शी फिनिश्ड हर होमवर्क येस्टरडे, डिड यू ट्राई द सुशी एट द न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक टाइम इनका, कुछ सेंटेंसेस होंगे जहां पे टाइम ना भी आता हो मगर सेंटेंस का मफहूम वही निकलेगा, या फिर हमें कॉन्टेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करता है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि जो आगे और पीछे के सेंटेंसेस हैं उनमें टाइम डिटरमिन हो जाता है कि ये किस वक्त की बात हो रही है, मगर जब ये सेंटेंस आते हैं तो आइडिया ये होता है कि स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। आई होप इट्स क्लियर, अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं, आपको मैं कमेंट्स में भी दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर जहां जहां पे चीजें समझ में नहीं आती दूसरा ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब करते हैं प्रैक्टिस, दोबारा से एक और प्रैक्टिस है, वीडियो को पॉज करें, ये प्रैक्टिस करें, फिर बाकी का लेसन भी कंटिन्यू करें। अब सिग्नल वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। जैसे ऑलरेडी, येट, जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, अप टू नाउ एंड रिसेंटली, ठीक है जी। और जैसे आप ये वर्ड्स ज्यादा टाइम को एम्फेसाइज करते हैं, जैसे एक सेंटेंस है आई हैव ईटन सुशी, तो इस सेंटेंस में तो सिर्फ एक्सपीरियंस को बताया जाता है कि आई हैव ईटन सुशी, यानी मेरे पास एक्सपीरियंस है।
अगर हम ये कहते हैं आई हैव ऑलरेडी ईटन सुशी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टेस्ट किया हुआ है, मैं नहीं खाना चाहती या मैं नहीं खाना चाहता, ठीक है। और ये नेगेटिव और क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होते हैं सिग्नल वर्ड्स, जैसे आई हैवन्ट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, और सवाल में आ जाएगा क्वेश्चन में हैव यू एवर बीन टू पेरिस। तो ये इस तरह सिग्नल वर्ड्स यूज होते हैं। अब सिग्नल वर्ड्स की एक्सरसाइज करें आप, ये वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, आप इनकी प्रैक्टिस करें, ये लगाएं सेंटेंसेस और समझने की कोशिश करें कि किस तरह का सेंटेंस है। वीडियो को भले पॉज करें, ये करें, फिर आप वापस आ जाएं तो लास्ट टॉपिक सीखते हैं। अच्छा, हम आमतौर पे कुछ गलतियां करते हैं इसके इस्तेमाल में। हम क्या करते हैं, इसको हम टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम के साथ, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी येस्टरडे। अब जब येस्टरडे आ गया तो ये स्पेसिफिक टाइम है, ये फिर इस्तेमाल होगा आपके पास्ट सिंपल में, जैसे आई सॉ दैट मूवी येस्टरडे। या फिर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो अब पास्ट सिंपल का लगा लेते हैं वर्ब, जैसे आई एट सुशी बिफोर। तो हम चाहते हैं कि प्रेजेंट का कनेक्शन दिखाएं, मगर इस तरह प्रेजेंट का कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश होगा। कैसे होगा, आई हैव ईटन सुशी बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा इस्तेमाल ये। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते या भूल जाते हैं, जैसे आई ईटन सुशी बिफोर, ये गलत सेंटेंस है, क्या होना चाहिए, आई हैव ईटन सुशी बिफोर। आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर है, अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि दोबारा क्लास बनाएं या फिर आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करें। अब आपके लिए प्रैक्टिस है, आप ये प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ये इसके आंसर हैं। आंसर्स को आप पहले ना देखें, पहले आप खुद करें, फिर आप चेक करें। और ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, इनके साथ आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, इनको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक गुड केयर एंड बाय।